एक गड़बड़ हम रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं एक गड़बड़। रोज हम सोते हैं नहीं सोते हैं? सब सोते हैं। उसके लिए कोई प्रिपरेशन करता है सोने के लिए? क्यों? अरे कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सोने के टाइम हम ये आत्मा उस परमात्मा से मिलती है। उस परमात्मा से मिलने का हमारा टाइम है, हमारा डेट है परमात्मा के साथ नींद के टाइम। लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सॉफ्ट नाइट सूट चाहिए। नहा के कई जनों को नहाने की आदत है और अब बड़े हो गए तो हम वो सब भूल गए हैं। अरे परमात्मा उससे मिलना है, पांव धोइए, पुराने कपड़े हो लेकिन सॉफ्ट हो। आप एक मेडिटेटिव पोज में जाइए। जो लोरी की आदत है वो एक मेडिटेटिव पोज है। वैसे ही जो अब परमात्मा से मुझे क्या चाहिए, मुझे आज क्या बात करना है, परमात्मा आज क्या अपना रहस्य बताएगा, ये सोच के 5 मिनट 10 मिनट फिर नींद में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि जो थॉट के साथ हम जाएंगे सपने भी उसके ही आएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस सोने के पहले करते हुए, क्षमा याचना जिससे भी दिन भर में कोई से अगर कहा सुनी हो गई है उनसे क्षमा याचना करके फिर नींद लेंगे तो माइंड इज एट पीस। जब माइंड पीसफुल है तो नींद भी अच्छी आएगी। और अगर डरावने सपने आ भी जाए, आएंगे आ भी जाए, तो ये समझिए कि परमात्मा चाहता है कि ये जो डर है तुम्हारे अंदर इसको बाहर निकलने दो, निकलने दो। निकल जाओगे तो तुम फ्री हो जाओगे, माइंड एकदम पीसफुल हो जाएगा, नींद अच्छी आई। सुबह उठे मतलब वापस माया में जाना है, माया की दुनिया में, वही रोज अलग अलग रूप में माया। तो सुबह उठते ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस भागो भागो भागो। नो, उठ के 5 मिनट बेड पे बैठिए कि रात अच्छी गई परमात्मा के साथ, अब आज का दिन भी मैं परमात्मा को साथ में रखते हुए आज का दिन, ये मायावी दुनिया जो तुम्हारी क्रिएटेड है या मेरी क्रिएशन समझ लो, उसको एंजॉय करना है। तो परमात्मा को ध्यान में रखते हुए, मेडिटेशन करते हुए 5 मिनट उनको अर्पण करते हुए फिर उठेंगे तो दिन भी बहुत अच्छा जाएगा।